नमस्कार, वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ मैं समीर। हम जानते हैं कि 2006 से केंद्र सरकार ने चाइनीज गार्लिक पे बैन लगाया हुआ है, पर अभी गुजरात में एक ऐसा किस्सा सामने आया है कि गुजरात का राजकोट का जिला है, वहाँ का एक तहसील है गोंडल, उसके एपीएमसी मार्केटिंग यार्ड में चाइनीज गार्लिक पाया गया है और बड़ा हंगामा मच गया। चाइनीज गार्लिक पाया गया इसलिए क्योंकि ऊपर से बैन है, तो कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब अभी पुलिस वगैरह तपास कर रही है। पर क्यों बैन है उसके पीछे बात करनी है, उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है हमारी हेल्थ पे, उसके बारे में बात करनी है। और बात करनी है सीनियर फिजिशियन प्रवीण गर्ग सर के साथ। सर, स्वागत है आपका वाइब्स ऑफ इंडिया में। सर, सबसे पहले ये जानना है कि ये चाइनीज गार्लिक होता क्या है और केंद्र सरकार ने इस पर क्यों बैन लगाया हुआ है। देखिए, पहली बात तो गार्लिक जो है ये सभी हाउस होल्ड और किचन में इसको काफ़ी काम में लेते हैं और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए और इसमें जो न्यूट्रिशंस जो प्रोडक्ट्स होते हैं विटामिन्स वगैरह, उसके लिए ये काम में लिया जाता है। और अभी अनफॉर्चुनेटली कई समय से इलीगली चाइनीज़ गार्लिक का उपयोग बहुत बढ़ रहा है। चाइनीज़ गार्लिक और इंडियन गार्लिक में कंपैरिजन की बात करें तो चाइनीज़ गार्लिक का कलर एक तो रिलेटिवली वाइट ज़्यादा होता है, इसका कलर सफ़ेद ज़्यादा होता है और इसका साइज़ जो है वो रिलेटिवली बड़ा होता है। और अपने अगर इंडियन गार्लिक्स में देखें तो उसमें थोड़े बहुत धब्बे दिखेंगे, लेकिन चाइनीज़ गार्लिक को अगर आप उल्टा सीधा कैसे भी करके देखेंगे तो प्योरली सफ़ेद दिखेगा, उसमें धब्बे नहीं दिखेंगे। तो ये तो रही अंतर की बात। और ये अमेरिकन कई एजेंसीज ने यह पाया कि ये जो चाइनीज़ गार्लिक है इसका जो उत्पादन हो रहा है वो स्वेज वाटर, जो अपना जो गंदा पानी होता है उसमें, इसको नाले के पानी से इसको बनाया जा रहा है। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसका कलर अच्छा देने के लिए ना, जो अपनी क्लोरीन होती है उससे इसको ब्लीच किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये नाले के गंदे पानी जिसमें सारे हैवी मेटल्स, प्रदूषित बैक्टीरिया, फंगस, वो सब होते हैं, वो उसका समावेश उसी से ही ये बन रहा है। और दूसरा कि इसको साफ़ करने के लिए क्लोरीन का उपयोग कर किया जा रहा है। तो ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि ऐसा ख़राब तरीके से बनाया हुआ चाइनीज़ गार्लिक अनफॉर्चुनेटली बाज़ार में खुलेआम बिक्री के लिए मिल रहा है। और सर, किसान से हम वहाँ के किसान से हमने बात की थी तो उन्होंने बोला था कि कुछ फंगस वगैरह कुछ इसमें होता है, सर वो क्या बात है, सर दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसा कि पहले कहा कि ये जो एक आर्टिफिशियल गलत तरीके से बनाया हुआ एक गार्लिक है, तो चूँकि बनाया ही इसको गलत तरीके से है, आर्टिफिशियल गंदे पानी से बनाया हुआ है, तो ऑलरेडी पानी जो है वो दूषित और संक्रमित होता है, तो डेफिनेटली तरत ही उसके उसमें इन्फेक्शन लगने की संभावना है। और दूसरी बात, ये अलग अलग तरीके से जब बनाया उसके बाद से ऐसा प्रकाश में आया कि एकदम नेपाल के बॉर्डर से भी ये आता है, तो जब इसकी उत्पत्ति हुई है उसके बाद में इंडिया में आने में हो सकता है काफ़ी उसका समय लग जाए, तो वो थोड़ा रिलेटिवली वेस्ट हो सके, तो अच्छे स्टोरेज नहीं के करने के कारण भी हो सकता है कि फंगस लग सकती है। एक तो इसका खराब उत्पादन, गलत तरीके से स्टोरेज और लंबे समय तक इसको नहीं वापरने के कारण बैक्टीरियाज और फंगस का इसमें संक्रमण होने की संभावनाएँ ज़्यादा है। सर, अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा कि ये चाइनीज़ गार्लिक क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है सादे और चाइनीज़ वाले में। उसके सिवा सर मुझे ये भी बात करनी है कि इसका असर अपने हेल्थ पे क्या हो सकता है। सर देखिए, वैसे अगर गार्लिक तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी इसके फ़ायदे हैं, जैसे मैंने पहले आप बात करी, लेकिन ऐसे अगर संक्रमित गार्लिक का उपयोग किया जाए तो ये बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। सबसे पहले बात करें कि शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट, शॉर्ट टर्म मतलब आज आपने ऐसे इन्फेक्टेड वाले संक्रमित चाइनीज़ गार्लिक को खाया तो इमीडिएटली क्या क्या हो सकता है। पहले तो चूँकि उसमें हैवी मेटल्स जैसे लेड, मरकरी, क्रोमेट, मिथाइलिन ब्रोमाइड, ऐसे हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आपको बॉडी में इन हैवी मेटल से एलर्जी या रिएक्शन हो तो सडनली आपको वेसोवेगल रिएक्शन तुरंत हो सकती है। उस मोमेंट पे ही मनुष्य को एकदम से चक्कर आना, घबराहट होना, अनकॉन्शियसनेस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, पल्स और ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होना, घबराहट होना, हेडेक होना, उल्टी होना, इनडाइजेशन होना, पसीना आना, जो बिल्कुल लेने के तुरंत
लेने के लगभग 5 से 10 मिनट बाद ही ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, इंडाइजेशन होना, जी में चलाना, और सपोज कोई डायबिटीज, बीपी और हार्ट वाला पेशेंट है तो उसको तरत लेने के बाद में उसके पल्स और ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो सकता है। यह तो बात रही शॉर्ट समय के साइड इफेक्ट जो इमीडिएटली लेने के बाद हो, लेकिन जिनको, जो लोग गार्लिक को नियमित रूप से उपयोग करते हैं और सपोज लंबे समय तक अगर ये इस संक्रमित गार्लिक का उपयोग करे तो ये बॉडी के हर ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स और क्लोरिन्स का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा ये जो मगज के ज्ञान तंतु है उनको वीक कर सकते हैं। बोन मेरो का डिप्रेशन लंबे समय तक लेने में हो सकता है, तो बच्चों में या महिलाओं में और एल्डरलीज में एनीमिया यानी ब्लड की कमी हो सकती है, पेट के पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस हो सकती है, आपके हार्ट और ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो सकता है, किडनी के ऊपर ये हैवी मेटल्स बहुत असर कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसे हैवी मेटल्स युक्त गार्लिक के परसिस्टेंट उपयोग से आपको जात जात के कैंसर्स होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड के कैंसर, आंतों के कैंसर, ब्लैडर के कैंसर, पेट के कैंसर, सभी तरह के कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है, और मेल्स में बहुत लंबे समय तक ऐसे इन्फेक्टेड संक्रमित गार्लिक को लेने से इनफर्टिलिटी यानी नपुंसकता की आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे MD और सीनियर फिजिशियन प्रवीण गर्ग साहब, कि जिन्होंने बोला कि ये चाइनीज़ गार्लिक क्या है, कैसे ये अलग होता है और इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।